हेलो एंड वेलकम वेलकम फ्रेंड्स, पाइथन प्रोग्रामिंग सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है पाइथन प्रोग्रामिंग की। देखिए, मीन फंक्शन का यूज़ किया यहां पे, और मीन फंक्शन का यूज़ कुछ इस तरह से मैंने किया है कि यहां पर आप देख सकते हैं, अब मीन का मतलब होता है सबसे कम, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको रन करता हूँ, देखिए ये मैं इसको रन कर रहा हूँ, रन करने से पहले मुझे इसे सेव करना होगा, तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ पहले। तो यहाँ पर डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेता हूँ .py एक्सटेंशन के साथ। तो यहाँ पे मेन के नाम से .py लगा करके डबल एंटर कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से ओके कर देता हूँ। अब देखिए ये प्रोग्राम हमारा रन हो गया और यहाँ सूरज प्रिंट होकर आया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ है, सूरज प्रिंट हुआ है। अब ये सूरज ही क्यों प्रिंट हो रहा है, क्यों इसकी जगह जो है इसमें और भी चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे जोया लिखा हुआ है या विकी लिखा हुआ है। तो आप देखिए कि अल्फाबेटिक ऑर्डर में ए पहले आता है, बी आता है, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस। तो इन तीनों में जो पहला अक्षर है आप देखिएगा, तो ये जो है एस पहले आता है, ठीक है। ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू V, तब आता है V, फिर लास्ट में आता है Z। तो इसीलिए यहां पर मीन लगाने पर जो है आपको ये प्रिंट करके दे रहा है S, ठीक है। अगर आप यहां पर मैक्स फंक्शन का यूज कर लेते हैं, मीन की जगह मैक्स, तो यहां पे कर दिया मैंने MAX, तो यहां पे Z आएगा, यानी जोया नाम प्रिंट होगा, ठीक है। यहां पर देखिए मैं इसको सेव कर रहा हूं, ठीक है, ये सेव किया। अब हमने क्या यूज किया, मैक्स फंक्शन यूज किया है। तो यहां पर देखेंगे तो यहां पे जोया प्रिंट हुआ है, ठीक है। इसके पहले सूरज प्रिंट हो रहा था, दिख रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर यहां पर कोई और नाम दे दिया जाए, जैसे मान लीजिए यहां पर मैं दे देता हूं लाइक अभी, ठीक है, एक नाम दे दिया मैंने अभी, ठीक है, और इसको यहां से क्लोज किया और यहां पर कॉमा भी दे देंगे, ये कॉमा दे दिया, गैप दे दिया, देख रहे हैं ना। तो इस तरीके से ये आप कर सकते हैं, ये बहुत इजी है। और आई होप कि ये मैक्स और मीन फंक्शन दोनों ही चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।